हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है? सागर जिला अब अपराधों की राजधानी बनता दिख रहा है। ताजा मामला सागर शहर से सटे मकरोनिया उपनगर से जुड़ा है, जहां आरोप लगे हैं कि मकरोनिया चौराहे पर न्यू साई मोबाइल की दुकान, जो विशाल मेगा शोरूम के बाजू से है, उस दुकान पर घुसकर एक बदमाश ने न सिर्फ लूटपाट मचाई है बल्कि मारपीट और पैसों की लूट कर दुकान को अस्त व्यस्त करके वो फरार हो गया। आरोप है कि मकरोनिया के पुष्पेंद्र आठिया ने मोबाइल के रिपेयरिंग के बहाने वो दुकान में आया और फिर उसने लूटपाट मचाना शुरू कर दी, साथ ही दुकान में तोड़फोड़ कर दी और नकदी लेकर फरार हो गया। क्या नाम क्या है आपको? राजेश्वर राय। कहाँ पर है दुकान आपकी? मकरोनिया चौराहा। मेरी दुकान पे पुष्पेंद्र आठिया ने आकर रिपेयरिंग के बहाने गाली गलौज की दुकान पे और मारपीट की और पूरा सामान तोड़ फोड़ करके, और कुछ सामान भी गायब है मेरी दुकान से, मोबाइल वगैरह और थोड़ा बहुत कैश ड्रॉस से, सब लूट के ले गए और तोड़ फोड़ की। क्या नाम है आपको? अभी राय। कौन सी नाम की दुकान है आपकी? कहाँ? साई मोबाइल मकरोनिया चौराहे पे, विशाल नियर बाय विशाल मेगा मार्ट। बताया जा रहा है कि आपकी दुकान से पैसे भी लूट कर ले गए। जी। कितने पैसे? पैसे का कोई वो नहीं है, ड्रॉज में पैसे डले थे, हाथ डाल के ले गए। पीड़ितों ने मकरोनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल पुलिस ने मामला विवेचना में लिया है, सूक्ष्म जांच करेगी, सारे साक्ष्य देखेगी, उन्हें सूंघेगी। अगर अपराध की बदबू आएगी तो फिर बड़े आराम से मामला दर्ज करेगी। लेकिन पुष्पेंद्र आठिया फिलहाल रंगदार है, जो रंगदारी कर रहा है, और अभी तक पुलिस ने उस पर टेढ़ी नजर नहीं की है। मीडिया ने जब पुलिस से इस मामले में जानना चाहा कि मामला विवेचना में है, इसलिए हम विवेचना के पहले कुछ भी बता नहीं सकते क्योंकि सबूत यहाँ और वहाँ हो सकते हैं। बड़ी गजब है साहेब पुलिस मकरोनिया। जितेंद्र आठी, जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मकरोनिया। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।